हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि जो मैथ सब्जेक्ट है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 3 दिन है और चैप्टर 4 है, यानी कि 3 दिन के बाद आपके एग्जाम्स है और 4 यूनिट्स आपको कवर अप करने हैं, तो मैथ्स को आप लोग कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि मैथ सब्जेक्ट बहुत को टफ लगता है यार, मुझे भी लगता है खुद, इसलिए तो ये वीडियो बना रहे हैं, है ना? तो देखिए, पहला दिन आप लोग क्या करेंगे, 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। दूसरे दिन पर आप लोग क्या करेंगे, 2 चैप्टर्स जो कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर्स रह गए थे उनको कंप्लीट कर लेंगे, और तीसरे दिन पर सिर्फ रिवाइज करेंगे, है ना? पहले दिन में जब आप 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे उसमें से क्या करेंगे, थ्योरम्स को अलग कर लेंगे और क्वेश्चंस को अलग कर लेंगे। 2 चैप्टर से मान लीजिए 6 थ्योरम है, है ना, और यहाँ पर देखिए 16 थ्योरम मान लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि यार बहुत कम है, ठीक है ना, 16 थ्योरम है और 2 चैप्टर से मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास निकल के आया 40। उन दोनों को आप लोगों को जो मिलने हैं, मतलब क्वेश्चंस मिलते हैं, उसे एक क्वेश्चन पेपर की तरह बना लीजिए, उसे एक क्वेश्चन पेपर की तरह बना लीजिए, यानी कि एक पेपर लीजिए ऐसे, उसमें 16 क्वेश्चंस को लिख लीजिए और 40 क्वेश्चंस को लिख लीजिए, है ना? तो 40+16=56 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उन 56 क्वेश्चंस को आप लोग को लास्ट दिन में रिवाइज करना है, है ना? और इससे भी मान लीजिए आपको क्या हो गए, 56 क्वेश्चंस मिल गए, तो 56 क्वेश्चंस और 56 क्वेश्चंस को जब जोड़ेंगे 6, 6, 12, 5, 5, 10, 112 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस को लास्ट दिन में रिवाइज करना है, है ना? 6+6=12, है ना, 5, 5, 10, 11, नहीं तो आप कहेंगे कि यार मैथ करना नहीं जानते और हमें सिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर करेंगे आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। भाई आप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी जाता तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए